दुबई में जब आप ट्रैवल करते हैं, ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता है कि आपको एक प्री अरेंज्ड वीजा चाहिए होता है। हालांकि ये एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। तीन ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे आप दुबई का वीजा बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप वहां पे अपने किसी दोस्त को बोल सकते हैं जो एज ए स्पॉन्सर आपकी वीजा एप्लीकेशन करेगा और आपको वहां से वीजा प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के किसी भी ऑफिशियल कैरियर में ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट करिए आप एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप एयर अरेबिया में ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी एयरलाइंस की बुकिंग के साथ साथ इन एयरलाइंस में वीजा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस ये एयरलाइंस कंप्लीट करती है और आपको ये वीजा भी प्रोवाइड करा देते हैं। तीसरा सबसे आसान प्रोसेस है जो कि टूर ऑपरेटर के थ्रू आपको वीजा एप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट करिए आप अपने टूर की बुकिंग लावाकांजा के साथ कर रहे हैं, लावाकांजा आपके टूर पैकेज की डिटेल्स के साथ साथ आपकी वीजा एप्लीकेशन भी करता है और बड़ी आसानी से 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये वीजा मिल जाता है। और अगर आपके पास में यूएस का वैलिड वीजा है दोस्तों, तो दुबई के लिए भी आपको प्री अरेंज्ड वीजा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने के बाद में ये वीजा आपको दुबई एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसकी एक फीस होती है जो कि आपको वहीं पे इंस्टेंटली जमा करनी होती है। ये वीजा आपको मिलता है और आप बड़ी आसानी से दुबई के अंदर दाखिल हो सकते हैं और अगले दिन से आप अपनी साइट सीइंग और एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स जो हम लोगों ने इस वीडियो में बताए, ये सारे के सारे वैलिड हैं भारतीय पर्यटकों के लिए। लेकिन जब भी आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, इन डिटेल्स को एक बार चेक करना बहुत जरूरी है कि ये उस वक्त जिस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है। इसके लिए आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं और हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपके किसी भी सवाल का आंसर करने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिएगा, हम लोग इसका जल्दी से जल्दी आपके सवालों का आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।